हिमाचल प्रदेश में निजी बसों की अनिश्चितकाल हड़ताल का व्यापक असर बिलासपुर जिला में भी देखने को मिला। यहां पर निजी बसों के न चलने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि एचआरटीसी बिलासपुर द्वारा जिला के विभिन्न रूटों पर दर्जनों बसें तो शुरू कर दी थी, लेकिन कोविड नियमों की पालना करवाना अधिकारियों के लिए मुश्किल हो गया। ऐसे में बिलासपुर एचआरटीसी के आरएम किशोरी लाल यादव स्वयं नियमों की पालना करवाने के लिए बस अड्डा में जा पहुंचे। यहां पर उन्होंने पहुंचकर सभी एचआरटीसी बस चालक और परिचालकों को कोविड नियमों की पालना करने के आदेश जारी किए। इसी के साथ उन्होंने बसों में बैठी सवारियों को भी सोशल डिस्टेंसिंग व हैंड सैनिटाइजर लगाने का आग्रह किया। आपको बता दें कि जिला में 305 निजी बसें विभिन्न रूटों पर चलती हैं, लेकिन निजी बस ऑपरेटरों की मांगे सरकार द्वारा पूरी न करने पर बस ऑपरेटर अब अनिश्चितकाल समय के लिए हड़ताल पर चले गए हैं, जिसका असर स्थानीय लोगों पर अब पड़ रहा है। वहीं बिलासपुर जिला की बात करें तो एचआरटीसी डिपो ने जिला में 40 रूट्स पर लोकल बसें चलाई जा रही हैं, जिसमें आज 4 रूट्स पर और सरकारी बसें भेजी गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि डिमांड के हिसाब से बसें भेजी जा रही हैं। अगर किसी रूट पर सवारियां अधिक हो रही हैं, तो उक्त समय पर ही सरकारी बस को उस रूट पर भेजा जा रहा है। आरएम ने बताया कि झंडुता जाहू बरमाणा मंडी सुंदरनगर लद्रोर भराड़ी घाट रूट्स पर बसें भेजी गई हैं। वहीं उन्होंने बताया कि बिलासपुर डिपो द्वारा बाहरी राज्य दिल्ली के लिए सिर्फ मरोतन दिल्ली एक ही रूट चलाया जा रहा है, साथ ही चंडीगढ़ के लिए 4 बसें चलाई जा रही हैं। ओवरलोडिंग बसों में अभी पिछले काल तक तो कोई ऐसा इशू था नहीं, क्योंकि प्राइवेट बसेस अप्लाई कर रही थी और साथ के साथ एचआरटीसी की बस। तो अभी जैसा कि आप बता रहे हैं कि ऐसे ओवरलोडिंग हो रही है, तो मेट भी कि एचआरटीसी की बसों में ऐसा है। तो एचआरटीसी एक गवर्नमेंट एंटिटी है और जो कोविड जो डायरेक्शंस हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, तो उनकी अनुपालना एचआरटीसी का कर्तव्य है कि उनकी अनुपालना सुनिश्चित की जाए। यद्यपि ऐसा यदि कहीं पे पाया जाएगा तो जब भी हम निरीक्षण पे जाएंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। तरीके से सवारियों की सुविधा के लिए हमने दर्जनों रूट जो है और बढ़ाए हुए हैं, और जहाँ को सवारी ज़्यादा हो रही है वहाँ गाड़ियाँ अलग अलग मतलब दूसरी गाड़ी भेजने साथ, ताकि 50% जो ये सड़की है पैसेंजर की उस हिसाब से गाड़ियाँ ड्राइवर ड्राइवर कंडक्टर को भी निर्देश दिए कि वो सवारियाँ 50% से हिसाब से ही बिठाएँ। सर कितने आज तो काफ़ी रूट चलाया हुआ ना, मतलब हर एक साइड को घुमा भी बिलासपुर हर एक घंटे बाद जा रही गाड़ी घुमा भी से जंडुथा बर्फी जाऊ लद्रौर और कागज की तरफ चलाए हुए, और बिलासपुर से भी मंडी को परमाणा और भराड़ी घाट लोकल रूट चलाए हुए हैं। के लिए एक बस चली हुई है मरुतन दिल्ली एक सवारी नहीं है बहुत ज़्यादा, और चंडीगढ़ के लिए आज 2 भी, बाकी बद्दी के लिए जाएगी बैजनाथ परमाणु चंडीगढ़ तक है, और दो लोकल रूट सारे चले हुए हैं। नमस्कार जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा मैं राहुल चौहान अपने ज़िला का महासचिव हूँ सेक्रेटरी हूँ, और ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो प्रदेश के प्रधान हैं राजेश प्राशर जी और ज़िला के जो प्रधान हैं राजेश पटियाल जी, उनकी अगुवाई में आज हम समस्त ज़िला के और पूरे प्रदेश के जो ऑपरेटर्स हैं आज हम जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे गए हैं, और उसका कारण जो है वो हमारी प्रमुखता से 2 कारण हैं उसमें, और हमारी 2 मांगे हैं सरकार से। उसमें सबसे पहली मांग जो है वो है हमारे जो SRT और टोकन टैक्स है वो सरकार जो है, क्योंकि ये कोरोना काल है, कोरोना काल में जो है हम बहुत ही मुश्किल के उसमें हमारे जो व्यवसाय हैं वो चल रहे हैं, हमारे जो व्यवसाय हैं इतने घाटे में हैं कि हम चाहते हैं सरकार से कि हमारे जो टैक्सेस हैं SRT और टोकन टैक्स वो कोरोना काल जब तक है तब तक उसको माफ़ किया जाए। और दूसरी मांग जो है हमारी वर्किंग कैपिटल की है, वर्किंग कैपिटल जो सरकार ने 2 लाख निश्चित किया था कि प्रति बस ऑपरेटर को हम देंगे, लेकिन वो भी सरकार अपने जो वादे हैं उससे भी मुकर गई है, और हम वर्किंग कैपिटल इसलिए चाहते हैं कि हमारी गाड़ियां जो पिछले 1 साल से लगभग खड़ी हैं और वो हमारी टायरों को भी इस समय जो है हमारे टायर भी ख़राब हो गए हैं, हमारी जो इंश्योरेंसेज है वो भी 1-1 लाख लगभग एक गाड़ी की है, तो अब लगभग दूसरी इंश्योरेंसेज भी आने वाली हैं और उसमें भी लगभग हमारे जो है 1 लाख रुपये जो है खर्चा एक प्रति बस का जो है पड़ रहा है
बोलने का मतलब ये है कि हमारे जो कलपुर्जे हैं खड़ी खड़ी गाड़ियों के, उनमें जंग लग रहा है, उनको भी रिन्यू करने के लिए, उनका ओवरऑलिंग के लिए भी हमें जो है धन की आवश्यकता है। और इस समय पिछले एक साल से ये सारी जो समस्याएं हमारी जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जो बसेज हैं हमारी, ऑटो रिक्शा भी, उनमें बहुत जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है वो हमारी बसेज, ऑटो रिक्शाज और टैक्सीज, इनको सबसे ज़्यादा झेलना पड़ा है। तो ये जो वर्किंग कैपिटल है, हम बस मालिक पूरे प्रदेश के चाहते हैं कि हमें सरकार दे। हमारी ये दो मुख्य कारण हैं, कोरोना काल में कम से कम हमें हमारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जाए। HRTC जो है, लगभग दो बार HRTC ने सरकार से मांग की है और उनकी मांगें जो है पूरी कर दी गई हैं। हमारी जो प्राइवेट बसेज हैं उनकी सरकार ने अभी तक एक मांग तक नहीं हमारी मानी है। सरकार को देखना चाहिए कि जो हमारे प्राइवेट बसेज ऑपरेटर्स हैं, जिन्होंने लगभग पिछले कई वर्षों से अरबों रुपए जो टैक्स जो है सरकार को दिया, लेकिन आज इस कोरोना काल, इस मुश्किल घड़ी में हम चाहते हैं कि सरकार प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को भी देखे और हमें भी जो है कुछ ना कुछ हमारी इस बसों को संचालन करने के लिए जो है हमें ना कुछ जो है प्रदेश सरकार से मांग है कि वो हमें, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम ये जो हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल है, ये हम अनिश्चितकालीन के लिए हमारी हड़ताल रहेगी और हम जो है जब तक हमारी सरकार जो है मांगे पूरी नहीं करेगी तो हम अपनी बसें नहीं चलाएंगे, क्योंकि हम इस समय जो कोरोना काल में जो है बहुत मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं।